आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इजी और क्विक वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत कम सामान में बन जाएगी। पैन को रखा धीमी आंच पे, एक कटोरी मावा ऐड करते हैं। मावा को धीमी आंच पे मेल्ट कर लेते हैं। हाफ बाउल चीनी ऐड करते हैं। चीनी को हमने पीस कर पाउडर बना लिया है, ऐड कर लिया है, मिक्स कर लेते हैं। आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करते हैं। एक चम्मच कड़वा वाटर ऐड करते हैं। बराबर चलाते हुए सभी चीज़ों को धीमी आंच पे मिक्स कर लेते हैं। खोए में सभी चीज़ को मिक्स कर लिया, अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देते हैं। एक पिंच येलो कलर ऐड करते हैं, कलर को मिक्स कर लेते हैं। फ्राई पैन में हमने एक भाग खोया छोड़ा था, उसमें कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मावा ठंडा हो चुका है। मावा को एक प्लास्टिक लिया है, प्लास्टिक में घी लगा के चिकना कर लिया है। इसमें मावा को ऐड करते हैं और बेल लेते हैं इसको शेप देने के लिए। बेल कर तैयार कर लिया है, इसे चौकोर शेप में कट कर लेते हैं इस तरह से। किनारे चौकर से मैं कट कर लिया है, बीच से कट कर लेते हैं। इसमें हम दो रोल तैयार करेंगे, इससे दो रोल तैयार कर लेते हैं। रोल तैयार कर लेते हैं इस तरह से प्लास्टिक के सहायता से। रोल बनाकर तैयार कर लिया, इसी तरह से दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको इस तरह से रैप करके फ्रिज में रख देते हैं घंटे के लिए, सेट होने के लिए। इस तरह से मावा रोल अच्छे से सेट हो चुका है, इसे प्लास्टिक से निकाल लेते हैं। मावा रोल में चांदी वर्क लगा लेते हैं। चांदी वर्क लगा लिया, इसे पीस में कट कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मावा रोल बनकर तैयार है। ये जितना दिखने में सुंदर है, उतना खाने में स्वादिष्ट है। इस मावा रोल की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।